पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बीएड 2 साल की जो है उसका सिलेबस कॉरेस्पॉन्डेंस का साथ में ही एसके उसका सिलेबस हमने क्या अप्रोच लेके चले थे, हम पिछले वीडियो में जो बात की थी सिर्फ ब्रीफ में वो पहले डिस्कस करूंगा, जैसे कि सेम 1, 2, 3, 4। ओके, तो हमने पिछले सारे सेम के सिलेबस को सिर्फ मोटा मोटा समझा था। तो इस वीडियो में क्या करेंगे कि सेम 1 में जो पेपर आता है, पेपर 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 7 पेपर जो आते हैं, तो अब एक पेपर पर फोकस करके एक वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो में बात करने लगे हैं पेपर 2 की, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर है, और उसके साथ में ही डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसका, एग्जाम जो एग्जामिनर है उसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, आपके लिए क्या डायरेक्शन होगी, कितने यूनिट्स होंगे, कितने में वो डिवाइड होगा, कितने का मार्क्स हर क्वेश्चन का होगा, किन बातों का ध्यान रखना है, और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, क्वेश्चन है, वो डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल हो जाएगी। और उसके बाद टॉपिक वाइज, इस वीडियो के बाद टॉपिक वाइज हम चलेंगे के पेपर 1, 2, 3, 4 का एक एक टॉपिक उठा के, और उस टॉपिक को याद कैसे करना है, मेमोराइज कैसे करना है कि आपकी मेंटल एनर्जी बच जाए, इजीली एग्जाम में रखा हो, और साथ में टीईटी के लिए, साथ साथ में ऐसे टॉपिक होंगे जो टीईटी के लिए वेरी रेलेवेंट है, एग्जैक्ट सेम है, उनमें से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो तीसरी बात, कोई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी है, कई टॉपिक सारी यूनिवर्सिटीज में कॉमन है, उन पर ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, और टीईटी में जो कॉमन होंगे। तो अब हम ये देख लेंगे हैं, पेपर 2 है, नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। ओके, टोटल मार्क्स 50 हैं, लेकिन ये पेपर जो आपने थ्योरी देना है 40 मार्क्स का है, इंटरनल असेसमेंट 10 की है। हाँ, 3 घंटे का ही एग्जाम है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स लगभग वही रेपिटेशन होती है कि आप जो सिलेबस दिया गया है वो समझ जाओगे, इसमें डिफरेंस कर पाओगे, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ता होगा, टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज इनकी ही अंडरस्टैंडिंग वो ऑब्जेक्टिव थे। अच्छा, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, 3 है, 4 है, 4 यूनिट हैं, ये रहे 4 यूनिट। 4 यूनिट में से जो हर यूनिट है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इट मींस पेपर सेटर जब पेपर डालेगा तो इन 2 भागों को कभी इसको इसमें से कोई उठाएगा, कभी इसमें से उठाएगा, है ना, उसकी मर्जी है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 1% प्रोबेबिलिटी है कि एक से ही उठा ले, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ये फर्स्ट यूनिट है, अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस यूनिट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ही बातें सारी होंगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझेंगे। फर्स्ट है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट है कंसेप्ट। इट मींस आप ग्रोथ की डेफिनेशन, मीनिंग डिफरेंट जो डेफिनेशंस होगी, एग्जांपल दोगे, और ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बाद में एक्सप्लेन करोगे, ये क्वेश्चन हम करेंगे। और साथ में ही ऐसे डेवलपमेंट का कंसेप्ट, इट मींस के डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, डायमेंशन भी हो सकती है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, इसे सारा टीईटी के साथ, ये सारा यूनिट आपका 100% टीईटीपी, जहाँ स्टेट टेट हो जहाँ सेंटर टेट हो, उसके लिए बिल्कुल सिमिलर है, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से आए, दैट इज वाई इस पर ज्यादा जोर दे सकते हैं, और मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉमन क्वेश्चन इन इंडिया, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टीईटी में भी है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ ग्रोथ, अच्छा लिखा ही हुआ है, गुड। तो हम इसको कैसे छोटे एक ही तरह पॉइंट्स में कैसे कर लेंगे कि एक क्वेश्चन याद होने से ये सारा ए ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो उनको भी बड़ा छोटा करके याद करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ, ये गलत पड़ गया शायद, प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये अलग अलग क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टीईटी अगेन। ओके, तो ये हो सकता है हम थोड़ा अलग कर लें, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ अलग कर लें, डेवलपमेंट अलग कर लें, और इनकी ओवरलैपिंग भी है, कुछ प्रिंसिपल सिर्फ ग्रोथ के हैं, कुछ सिर्फ डेवलपमेंट हैं, क्योंकि डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव है, दैट इज वाई इसके करेंगे, इसमें ग्रोथ में के ही शामिल होंगे। तो और डिफ्रेंशिएट करेंगे टीईटी के लिए, लेकिन आपके सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए ईजी रखेंगे।
फैक्टर्स क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, कौन से हैं, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट मोस्ट कॉमन ऐसे होंगे पॉइंट्स, इजी हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस वो कहाँ से शुरू होंगी, स्टेजेस मैंने जो डिज़ाइन बनाया है ये हरलॉक की जो फंडामेंटल वर्ल्ड वाइड बुक है उसके बेस पर बनाया है, लेकिन कॉमन जब स्टेजेस पूछी जाती है तो हरलॉक की बेबीहुड को वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता, बेबीहुड का पीरियड ही सारा शामिल कर लिया जाता है, 0 से 2 साल तक इन्फेंसी पीरियड, बाकी सब कुछ हरलॉक का और कॉमन बाकी साइकोलॉजिस्ट का सेम है। प्रीनेटल पीरियड है 9 महीने का, आपको पता है, नेक्स्ट है 2 साल का एक्सपीरियंस जो इन्फेंसी पीरियड है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है, ईयर यहाँ लिखे हैं, तो लेट चाइल्डहुड, कई बार मिड चाइल्डहुड, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे टीईटी में पूछ लिया जाता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है, इसके बीच में आ जाता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि विद स्पेशल रेफरेंस, सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, प्यूबर्टी एडोलेसेंट पीरियड में, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कोर्स बीएड का, बीएड किसके लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अभी 6 से 10 साल के लिए, ईटीटी वाले या डीएलएड वाले जो हैं फर्स्ट से फिफ्थ तक हैं, आप 6 से 10 तक है, 10th अगर एमए की हुई है तो 12th तक है ना, 6 से 12 तक आप हो गए, तो आपने किस एज ग्रुप को एड्रेस करना है, टीच करना है, आपके स्टूडेंट्स कौन होंगे जो 6वीं क्लास के होंगे, 6वीं क्लास में 6+ मैंने किया तो उनकी एज निकल आई लगभग 12 साल से शुरू हो रहे हैं, इट मींस 11-12 साल से शुरू होके 12-6 ये 18 साल और 19 साल तक, 11 से 19 साल तक के बच्चों को आपने टीच करना है, और ये एडोलेसेंट पीरियड ही है, ये रहा 10 से 12 से शुरू होकर ये 18 तक पहुंचता है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इनको 3 भागों में भी डिवाइड किया जाता है, अर्ली एडोलेसेंट, मिड एडोलेसेंट एंड लेटर एडोलेसेंट, उसके बाद अडल्टहुड एज आ जाती है। तो इसको बहुत गंभीरता से समझना है, ये सारे यूनिवर्स में, इंडिया में ये क्वेश्चन होगा ही होगा। वापस चलते हैं यहाँ पर, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये ऐसे पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, हर स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेज विद स्पेशल रेफरेंस और टू डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो ये बात करेंगे कि इस फॉर एग्जांपल इन्फेंसी के जो पीरियड है जहाँ प्रीनेटल पीरियड है तो फिजिकल ग्रोथ रेट बहुत तेज होता है, आगे चल के थोड़ा कम हो जाता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, प्यूबर्टी पीरियड आता है एकदम ग्रोथ स्पर्ट आता है, तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। ये मैंने क्यों एग्जाम्पल दी, क्योंकि टीईटी में ये क्वेश्चन बड़े ही हर बार आ जाता है, स्पीड ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ है ना, तो उनके नीड्स क्या हैं इस पर 8 नंबर का क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट क्या हैं वो 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, इन पर आ जाता है, इजी है, तो ये सारा टीईटी में भी करेंगे। दूसरा है, बड़ी अच्छी बात है कि यूनिट का नाम रखा है लर्नर एज डेवलपिंग इंडिविजुअल, वेरी गुड, रेलेवेंस नंबर 1 ये हेडिंग होगा किसी ने किसी क्वेश्चन में, दूसरा एप्लीकेबिलिटी, इसकी जगह पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी हो सकती हैं, ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ये थ्योरीज फंडामेंटल फंडामेंटल और फंडामेंटल हर वर्ल्ड के हर कोने में पढ़ाई जाएगी, जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा पियाजे का नाम आएगा, ठीक है, इसकी 4 स्टेजेस हम पढ़ेंगे और हर टेट के क्वेश्चन में इसका, किसी भी टीचर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पेपर में पियाजे का क्वेश्चन 100% होगा ही होगा, क्योंकि मोस्ट अप्रूव्ड जो थ्योरी है वो आपके सिलेबस में लगी हैं, दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर सिलेबस। सोशल डेवलपमेंट की जब भी बात आएगी, एरिक एरिक्सन की बात आएगी, 8 स्टेजेस हैं, इनकी 4 स्टेजेस थी है ना, इनकी 8 स्टेजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एरिक्सन 8 वर्ड बनते हैं, तो 8 स्टेजेस इसकी होगी, ऐसे स्ट्रेटेजीज हम याद करेंगे, और पियाजे की 1, 2, 3 गेट ये 4 कर ली है ना, तो पी को उल्टा कर लिया, ऐसे करके कुछ भी ऐसे याद कर लेंगे। कोहल बर्ग मॉरल डेवलपमेंट, को मो ए मो, तो ये इनकी पियाजे की भी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, लेकिन मोस्ट साइंटिफिक अप्रूव्ड काम जो किया इन्होंने किया, ठीक, तो मॉरल डेवलपमेंट की 6 स्टेज हैं और 3 लेवल्स हैं,
तो ये तब समझेंगे। काम वही करना है गुड और बैड के, जहाँ जस्टिस और इनजस्टिस में डिफरेंस है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, करेंगे हम। वाइगोत्स्की की भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, और इसका कंपटीशन एक तरह से प्याजे के साथ है। प्याजे इंग्लिश में अपनी रिसर्च को पब्लिश कर सके, लेकिन वाइगोत्स्की रशिया के थे, वो मदर टंग में लिखते थे, दैट इज़ वाई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुए। बाद में पता चला कि एक और थ्योरी है वाइगोत्स्की है, जिनकी जल्दी डेथ हो गई थी, और इसकी भी इनको सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, सोशियो कल्चरल टीईटी में यही नाम आएगा। यहां पर अच्छा नाम यूज किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, कॉन्टेक्स्टुअल, वेरी गुड। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, सोशल एंड कल्चर इज द कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो इसकी हर थ्योरी को समझेंगे और साथ में उसकी एप्लीकेबिलिटी। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सीधा क्वेश्चन है, हेरिडिटी का मीनिंग, लॉज ऑफ हेरिडिटी भी आ सकते हैं, एनवायरनमेंट मीनिंग। अब ये डिबेट है कि बच्चे की डेवलपमेंट में, ये स्टूडेंट है, इसकी डेवलपमेंट में हेरिडिटी 50% पे करती है, ये 50% पे करती है, या ये जीरो करती है, ये 100 करता है, या ये जीरो करती है, ये 100 करता है, ये डिबेट है। ये 100 वाली जो मैंने एग्जाम्पल दी, ये एक्सेसिव व्यूज है। हेरिडिटेरियन जो लोग हैं वो कहते हैं, उन्होंने रिसर्च की तो हेरिडिटी के इफेक्ट बहुत ज़्यादा पाए गए, लेकिन कोई भी रिसर्च 100% नहीं है। हमेशा कंक्लूडिंग रिमार्क यही होना है, हेरिडिटी इनटू इंट्रैक्शन विद एनवायरनमेंट, किसके लिए, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए, हमेशा ही यही रहेगा। हाँ, किसी पर, किसी कंसेप्ट में हेरिडिटी ज़्यादा और किसी में ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, दोनों का इफेक्ट है, लेकिन हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम हेरिडिटी को, जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई हमने एनवायरनमेंट अच्छा देना है, दैट इज़ वाई इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे कि आप कैसा, कैसे एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करोगे बींग ए टीचर। मीनिंग क्या है दोनों के, हो गए लॉज ऑफ हेरिडिटी, हो गया रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नेचर नर्चर डिबेट जो मैंने अभी बात की, नेचर कहते हैं हेरिडिटी को, नर्चर कहते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है, डिबेट कि वो कौन से लॉजिक हैं जो हेरिडिटेरियन देते हैं, जिसके बेस पर ये कहा जा सकता है कि हेरिडिटी इफेक्ट करती है, तो ये लॉजिक कौन से देते हैं, इन्होंने रिसर्च जो की, इन्होंने रिसर्च की, वो रिसर्च के बेस पर सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे। ह्यूमन डाइवर्सिटी डिफरेंसेस, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, इसके लिए दो और शब्द यूज किए जाते हैं, डाइवर्सिटी इंडिविजुअल डिफरेंस और वेरिएशन, ये लिखा है वेरिएशन एंड डेवलपमेंटल कॉम्पोनेंट्स कॉज एंड इम्प्लीकेशन। ये क्वेश्चन क्या बनते हैं आपका, ह्यूमन डाइवर्सिटी नेचर 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है ना, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी ये फुल तो नहीं बनता, छोटा क्वेश्चन बनेगा। हाँ, वेरिएशन एंड डेवलपमेंटल कॉम्पोनेंट्स ये 8 मार्क्स का बनेगा, कॉजेज ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी इम्प्लीकेशन फॉर, दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ही छोड़ के जाना, इजी और इम्पॉर्टेंस, और सभी यूनिवर्सिटी में होगा। तो ये यूनिट हो गया, नेक्स्ट थर्ड यूनिट है लर्नर एंड सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो इस जो यूनिट है इसमें सोशल एंड कल्चरल का, एनवायरनमेंट का असर अभी है, एनवायरनमेंट करके आए ना, उसका असर लर्नर पर क्या होता है ये लर्न करना है, उसमें क्या होगा। फर्स्ट है रोल ऑफ फैमिली है ना, ये सभी यूनिवर्सिटी में नंबर एक, रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ स्कूल, रोल ऑफ सोसाइटी इन कोग्नेटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में कोग्निशन एंड लर्निंग लिख दिया, यहाँ कोग्नेटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन है। तो ये क्वेश्चन क्या बनेंगे, व्हाट इज फैमिली एंड हाउ इट्स अफेक्ट कोग्नेटिव, ओके, व्हाट इज फैमिली एंड हाउ इट्स अफेक्ट अफेक्टिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज फैमिली, डिफाइन फैमिली, हाउ फैमिली इफेक्ट साइकोमोटर डोमेन है ना। तो ये भी हो सकता है दो पर इकट्ठा पूछ ले, फैमिली कोग्नेटिव अफेक्टिव को कैसे करती है, तीन भी इकट्ठे पूछे जा सकते हैं। तो हम इनको इजी भाषा में कर लेंगे, ये पॉइंट्स इजी हैं वैसे, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, अपने इर्द गिर्द को देखना है। ऐसे ही स्कूल के क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ स्कूल ऑन इन तीनों पर, इफेक्ट ऑफ सोसाइटी इन तीनों पर है ना, अपनी बुक में भी मैंने लिखे हैं, वही करवा दूंगा आपको, इजी होंगे। और इसके क्वेश्चन भी टीईटी में आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। रोल ऑफ मीडिया, प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
अब ये बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, प्रिंटेड को तो हम कम होते जा रहे हैं, अखबार नहीं पढ़ रहे। ऑन डेवलपमेंट आस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल रेफरेंस टू एडोलसेंट, इट मीन्स 11 से 19 साल के बच्चों पर प्रिंटेड मीडिया क्या इफेक्ट करता है, एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या इफेक्ट करता है, ऐसे पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या आप बहुत अच्छे हो, बहुत सोने हो, बहुत सोने नहीं हो, है ना, सेल्फ कंसेप्ट अपना बना के रखा, आप जो अपनी इमेज बना के अपने मन में रखी हुई है वो हो सकता है। नॉर्मली ये क्यों लगाया हुआ है, जनरली हम अपने बारे में जहाँ तो ज़्यादा पॉजिटिव सोच लेते हैं, जहाँ ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं, हम रियलिस्टिक सोच सकें, रियलिस्टिक और उसका बेस्ट, और एक इसकी वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रियलिस्टिक बनो और जो है उसको एक्सेप्ट करो, जब एक्सेप्ट कर लोगे तो मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, है ना। अब रंग काला है यार, रगड़ रगड़ के उसको गोरा थोड़ी कर सकते हो, मतलब रंग रंग से कोई पर्सनैलिटी का लेना देना ही नहीं है वैसे तो, पर्सनैलिटी व्हाट यू आर डूइंग, आपके एक्शन क्या हैं, ओके। सेल्फ कंसेप्ट फ्रॉम डाइवर्स आस्पेक्ट, सोशल आस्पेक्ट से, कल्चरल आस्पेक्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लोकेशन, लैंग्वेज, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, है ना, पिछला क्वेश्चन ऐसे इसमें से ऐसे आया हुआ है, तो इसमें से एक या दो फैक्टर उठा के वो कहेंगे कि सेल्फ कंसेप्ट पर ये किसका क्या असर होता है, है ना, लोकेशन एंड लैंग्वेज का इस पर क्या असर होता है। लोकेशन, फॉर एग्जांपल आप रूरल एरिया में रहते हो, अर्बन एरिया में रहते हो, है ना, स्लम में रहते हो, तो सेल्फ कंसेप्ट पर क्या असर होगा। जेंडर, मेल हो फीमेल हो, ये वेरिएबल दिए हुए हैं, इनके इफेक्ट देखने हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ग्रुप बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशन, अब ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया, ग्रुप बिहेवियर, क्लासरूम आ गए ना आप, क्लास में क्लास क्या है, ग्रुप है, ये रहा ग्रुप, ठीक है, उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने बच्चे हैं, ग्रुप ऑफ लर्नर। तो ग्रुप डायनामिक्स मीनिंग, ग्रुप डायनामिक्स का मतलब क्या है कि ग्रुप की कुछ फोर्स होती हैं जो इंडिविजुअल को प्रभावित करती हैं, और कई बार इंडिविजुअल इतना फोर्सफुल होता है कि वो ग्रुप को प्रभावित कर देता है। लीडर्स जो होते हैं एक शब्द बोलते हैं, एक वाक बोलते हैं, एक एक्शन बोलते हैं और कुछ भी ऐसा करते हैं तो हज़ारों लोग उनके मतलब फॉलोवर बन जाते हैं ना, तो इट मींस गुड लीडर हैं। हाँ, जैसे सिद्धू साहब की एग्जांपल है, जो गायक थे, है ना, कितने यूथ उनके फैन हो गई थी, दो गाने गाए तो उन्होंने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर दिया। चलो अभी पढ़ना नहीं है, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ ग्रुप्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, TET में बहुत काम आ सकते हैं, उतने क्वेश्चन अभी पूछे नहीं जाते, भविष्य में पूछे जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर, हम ग्रुप में कैसा बिहेव करते हैं, जब ज़्यादा जने होते हैं, स्टेज पर होते हैं, डर जाते हैं, डरना कैसे, करना कैसे है, डरना नहीं है, तो कौन कौन से फैक्टर का ध्यान रखना है। रोल ऑफ टीचर, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग क्लास एज कोहेसिव ग्रुप, एक जो कोहेसिव को क्या कहेंगे हिंदी में, कि बड़ा अच्छा ग्रुप जो इंटरेक्ट करता है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे की हेल्प करता है, कोऑपरेटिव है, वो वाला ग्रुप, है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन दो ये है, एक तो डिसिप्लिन अनुशासन होता है जो सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, एक डिसिप्लिन है क्योंकि यहाँ ग्रुप बिहेवियर है कि आपने का बिहेवियर कंट्रोल क्या कैसे है ना, उसकी बात है। डेवलपमेंटल मॉड, हाय रब्बा इस पर मैंने लिखा था, पता नहीं मेरे पास है, मैंने बहुत ये प्याजे की, कोहलबर्ग की, वाइगोस्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बड़ी अच्छी अप्रोच है, मैं इतना जब मैंने लिखा था, पता नहीं ये बुक आप तक नहीं कभी पहुंची होगी, मज़ा आ गया था, ये ज़रूर मज़ा लेके पढ़ाऊंगा। रोल ऑफ स्कूल, स्कूल का डिसिप्लिन में क्या रोल है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन इन इंडियन क्लासरूम, तो क्रिटिकल एनालिसिस करना है। देखिए स्कूल में क्या होता है, मेरे हिसाब से तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर से हम उन बच्चों को चुप कराते हैं। अच्छा, रोल ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिसिप्लिन इन करेक्टर एजुकेशन एंड ट्रुएंसी एंड ड्रॉप आउट, ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ डिसिप्लिन जो होंगे उनका जो करेक्टर एजुकेशन पर कौन सा मेथड बेस्ट करेक्टर डेवलप करता है, सिंपल बात, और कौन से मेथड से ट्रुएंसी और ड्रॉप आउट कम होता है
है ना, ये नेगेटिव है, ड्रॉप आउट कम होनी चाहिए, बच्चा स्कूल को याद करे जाए, तो ये अच्छे पॉइंट हैं। सेशनल वर्क है, ईच पीपल हैव टू कंडक्ट वन ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क, ऑब्जर्व द इंटरेक्ट विद एटलीस्ट 5 चिल्ड्रन, कीपिंग इन माइंड जेंडर, लोकेशन, कैटेगरी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड चिल्ड्रन एंड कंपेयर देयर करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स। वाह बहुत अच्छा, हाँ शाबाश, वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी रियली नंबर ले गई यहाँ पर। व्यू एनी टू मूवीज़, क्योंकि मेरी फेवरेट है, मैं अब तक जो बीएड में 29 मूवीज़ के साथ सारी दिखाता हूँ, कभी क्लिप्स कभी फुल, है ना। तो तारे ज़मीन पर से, तारे ज़मीन पर तो इतनी बार दिखा चुका हूँ, 3 इडियट्स, तो जो भी सीन रेलेवेंट है आपके साथ, है ना, तो तारे ज़मीन पर, वेरी गुड, ईशान, अपना आसमान, है ना, स्लम डॉग मिलेनियर, ये दो मूवी, ये नहीं मैंने दिखाई, सिर्फ अपना आसमान, तो ये भी देखूंगा। तो डिस्कस द कंटेंट, पिक्चराइजेशन, करेक्टर इन द कंटेक्स्ट, इशू एंड कंसर्न ऑफ चाइल्डहुड एंड हाई, रब्बा बहुत प्यारी यार, जिसने भी ये बनाई है ना, जिसने भी ये लिखा, उनको बेस्ट का अवार्ड दे रहा हूँ, वेरी गुड। क्योंकि मूवी में हमारा इंटरेस्ट बन जाता है, बोरिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि नॉन अटेंडिंग का जो कैंसर हो चुका है इंडिया को, उसमें कुछ भी नहीं हम कह सकते। सजेस्टेड रीडिंग है बैरन की, अच्छी बुक है लेकिन नहीं आप पढ़ोगे, और इनमें से डंडापणी की बहुत अच्छी बुक है, बहुत, लेकिन नहीं समझ आएगी। अब ये देखते हैं कि जो है हमारा सिलेबस क्या है, सॉरी क्वेश्चन जो क्या है, इनमें से आते हैं, पिछला पेपर जो आया है, ये पिछला पेपर आया है, और कैसे आएगा इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ ले। ये रहा आपका यूनिट, ये रहा 1, 2, 3, 4, ओके। अब रंग बदल के हम लिखेंगे येलो, कि हर यूनिट में से क्या होगा, दो क्वेश्चन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और जो जो 9th क्वेश्चन होगा, 9th क्वेश्चन के 4 भाग होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के, ओके, ये बन जाएगा 8 का। और ये हर क्वेश्चन में से, ये 2-2 आए, ये हर क्वेश्चन में से आपने करना है 2 में से 1, और ये 2 में से 1, ये जो होगा 5th, ये कंपलसरी होगा, सारे करने हैं 2-2 मार्क्स के, ठीक। ये कहाँ से आएंगे, 4 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये इस यूनिट में से, ये मैं एरो बनाने लगा हूँ, ये वाला इस यूनिट में से, इसी ये ना, एक क्वेश्चन, हर यूनिट में से 2-2 का क्वेश्चन आएगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का भी ऐसे है, थोड़ा सा फर्क है कि वो बड़ा क्वेश्चन इसमें से ही कोई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, मार्क्स 8 मार्क्स का, सब डिवाइडेड हो सकता है, 8 का 8 का 8 का, और ये 8 8 बन के 4 × 2 ये बन गए 40 मार्क्स। इट मीन्स 40 मार्क्स का ये आपका होगा क्वेश्चन, लेकिन ये 3 घंटे का ही है। सेमेस्टर 1 ये पिछले ऑल मीडियम्स पेपर, ये रहा 40 मार्क्स और 3 आवर्स, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, फ्रॉम द फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट, यूनिट 5th इज कंपलसरी, फर्स्ट है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सो सीधे ये क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जाम्पल, इनको इकट्ठा ही समझना है, करना कैसे है, एक पॉइंट बताना है साथ में एग्जाम्पल, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों ईजी है, मोस्ट कॉमन, सभी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 2 में इन दोनों में से एक करना है आपने, एलुसिडेट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोहलबर्ग, है ना, रेलेवेंस और एप्लीकेबिलिटी थी, ये आ गया, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सीधे पॉइंट्स आएंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे हम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेरिडिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट, तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनिट 5, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ एडोलसेंट, डिस्कस, वही बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, सच में कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोबाइल से छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, एडोलसेंट को बचाना कैसे है ना,
नेक्स्ट है एक्सप्लिकेट द रोल ऑफ जेंडर एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन डेवलपमेंटल ऑफ इंडिविजुअल सेंथ कंसेप्ट। कुछ नहीं है, जो स्टेटमेंट थी वही उठा के डाली गई है। जेंडर और SES का इफेक्ट का किस पर? सेल्फ कंसेप्ट पर। तो ये कैसे होगा, जेंडर का मेल फीमेल बना लेंगे, वैसे तो जेंडर बहुत से हैं, है ना। तो यहाँ समझाने के लिए कह रहा हूँ, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ये बन गया हाई एवरेज लो, है ना, जहाँ हाई और लो को कंपेयर करेंगे कि हाई वालों को सेल्फ कंसेप्ट कैसे अच्छा बनता है, लो कॉन वालों का कैसे बनता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग क्लासरूम एज ए कोहेसिव ग्रुप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी भी बहुत। एक्सप्लेन द डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डिसिप्लिन इन डिटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो। अच्छा, चार क्वेश्चन आएंगे, दो दो मार्क्स के, सीधे नोट लिखने को कहा है, वैसे ऐसे नहीं डालने चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छे पेपर की निशानी नहीं है, क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए ईजी है। फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट सीधा है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, जब रोल ऑफ फैमिली इन इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डिसिप्लिन एंड करेक्टर एजुकेशन, सीधा है। पंजाबी और हिंदी में भी अवेलेबल हैं, मेरे ख्याल में हिंदी में, बाकी यूनिवर्सिटी को कम अवेलेबल होते हैं, सो हिंदी में आप पढ़ सकते हो। मानव विकास की विशेषताएं क्या हैं, प्रासंगिक उदाहरणों की सहायता से चर्चा करें, वृद्धि एवं विकास में प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से चर्चा करें, शिक्षा के संदर्भ में कोलबर्ग के नैतिक विकास के संस्थान को परियोजना को स्पष्ट करें, मानव विकास में अनुवांशिकता की भूमिका की व्याख्या कीजिए, किशोर के विकासात्मक पहलुओं पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गहरा प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करनी है, व्यक्ति की आत्म अवधारणा के विकास में लिंग और सामाजिक आर्थिक स्थिति की भूमिका की व्याख्या करनी है, एक सशक्त समूह के रूप में क्लासरूम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की भूमिका की चर्चा कीजिए, अनुशासन के विकासात्मक मॉडल को विस्तार से समझाएं, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक मानक विविधता की अवधारणा, बच्चों के प्रभावी विकास में पारिवारिक की भूमिका, अनुशासन और चरित्र शिक्षण, ऐसे पंजाबी में भी है, अवेलेबल है, तो पंजाबी वाले भी मेरे ख्याल पढ़ सकते हैं कि जेकर पंजाबी विच कोई रुकावट आती है, दूसरी भाषा विच कोई रुकावट आती है, पढ़िया जा सकता है, मेरे ख्याल हिंदी वाले नूं समझ आ जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो विच नेक्स्ट पेपर करांगे, इस तो बाद टॉपिक वाइज अपन क्लासेस स्टार्ट करांगे विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीईटी ते एमसीक्यू थोड़ा नाल रखांगे, लेकिन ये पॉइंट्स किदां रखने ने, सब्जेक्टिव बीएड दे पेपर किदां देने ने, इन्हां नूं अलग तो रखांगे, जे कंबीनेशन जिथे हुंदा पाया वो कर लांगे, यूनिवर्सिटी का भी और पेपर का भी, टेट का भी। थैंक यू।